रायपुर की बात करेंगे। थाने से आरोपी फरार हो गया है। आरोपी आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार हुआ था। घटना का फुटेज सामने आ गया है। मौधापारा थाने से आरोपी भाग गया है, यानी लॉकअप से आरोपी फरार हो गया है। मौधापारा थाने से आरोपी फरार हुआ है, थाने से आरोपी फरार हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी लापरवाही पुलिस व्यवस्था के, प्रशासन के, पुलिस थाने के अफसरों की, जिनकी निगरानी के अंदर से ये आरोपी वहां से फरार हो गया। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मौधापारा मामले थाने का मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में भागता हुआ आरोपी कैद भी हो गया है, किसी रिक्शे की सवारी लेकर वहां से फरार हो जाता। तस्वीर आपको दिखा रहा है, ये देखिए इस तस्वीर में ये बदमाश यहाँ से फरार हो जाता है। और रायपुर चलेंगे, शिवम मिश्रा से बात करेंगे। शिवम, बड़ी लापरवाही पुलिस के अफसरों की, जिनकी निगरानी से यह बदमाश लॉकअप से बाहर निकलकर फरार हो जाता है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से एक बड़ी लापरवाही जरूर सामने आई है मौधापारा थाना पुलिस की, जिसमें जरूर ये देखने को मिला है कि तड़के सुबह 6 बजे के आसपास थाना लॉकअप के अंदर से ही हथकड़ी खोलकर आर्म्स एक्ट का आरोपी लक्ष्मी नारायण प्रसाद जो है वो फरार हो गया। बताया जा रहा है कि इसकी सुरक्षा के लिए 2 जवानों को तैनात किया गया था। इस बीच जो है आरोपी पुलिस को चकमा देकर थाना से फरार हो गया। हालांकि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मामले को दबाने में लगे हुए थे, लेकिन बात उजागर होते ही आरोपी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई है और उसके खिलाफ अपराध दर्ज कर अब उसकी जांच में जुट गई है। जी ठीक है शुभम, लगातार बने रहिए हमारे साथ में, एक बार फिर आपके पास आएंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे।